न्यूज़लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील क्षेत्र में आने वाले मोरणा गांव में सभी धर्मों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 24 दूल्हा दुल्हन का जोड़े की शादी लगाई गई। लगभग एक परिवार में शादी समारोह में बड़े पैमाने पर शादी के कार्यक्रम में खर्चा होता है, जिसके चलते कई विवाह समारोह के उपरांत परिवार की माली हालत खराब होती है, जिसके चलते परिवार का मुखिया कर्ज तले दब जाता है और इससे निजात पाने के लिए ग्रामीण इलाके में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इस विवाह समारोह में पूर्व भाजपा के सांसद नाना पटोले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आइए देखते हैं एमएनएस न्यूज लाइव ब्यूरो चीफ निशांत राज्यपाल की खास कवरेज। आप कहाँ से आए? मैं सर नागपुर से हूँ। नागपुर से बिलोंग करता हूँ। यह सामूहिक शादी में शामिल करने के लिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयंत चरणकांत भूते। अच्छा, मंडल की तरफ से कुछ पैसे वगैरह लगेगा? नहीं, आप चार्ज है। आप सामूहिक शादियों में मतलब ये समारोह में क्यों शादी लगा रहे हो? समारोह में बोले तो जैसे कंडीशन देखी जाती है दुल्हन की, उसके हिसाब से मैंने लगाया सर। अच्छा, दुल्हन कहाँ की है आपकी? दुल्हन चपराड़ की है सर। चपराड़ की है जी। मिलवा सकते कहाँ पर है? इधर ही है। अच्छा लग रहा है। मेरे दीदी की भी शादी मैंने मेड़ावे में की थी, प्रफुल पटेल का जब मेड़ावे थे, नाना बो का था, इसलिए मैंने यहाँ पे नाना बो का तरफ से शादी किया। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए, दूल्हा भी जो है नागपुर से आए हुए हैं और सामूहिक शादियों में उनको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि शादी है यहाँ पर लगाने में उनको खुशी महसूस हो रही है। और हम एक दूल्हे दूसरे दूल्हा अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसी में बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? राहुल मेश्राम। राहुल मेश्राम जी कहाँ से हैं? मैं गढ़चिरौली। सामूहिक शादियों में आप शादी लगने जा रही है, सबसे पहले तो बधाई हो आपकी। और सामूहिक शादियों में आप क्यों शादी लगा रहे हो? क्या बोले? सामूहिक शादी समारोह में आप शादी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मतलब जो हमारे नाना पटोली जी है उनके हर साल यहाँ पे होता है, तो ये जो गवर्नमेंट का जो है ना, तो सब सारे मतलब खर्चे की बचत हो जाती है और खर्चे की बचत होती है। और ये सामूहिक विवाह है, मतलब सब एक दूसरे से मिल के शादियाँ करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब ये सारा माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो सामूहिक शादियों में जो व्यवस्था की जाती है, इससे आप संतुष्ट हो? बहुत, हाँ बहुत बढ़िया है। तो कुछ पैसे वैसे लिए? नहीं, अभी मेरे से कुछ पैसे नहीं लिए। चलो बहुत बधाई हो। देखिए, कोई बिना पैसे से कोई पैसे नहीं ले गए। दूल्हे दुल्हन का कहना है कि कोई पैसे लेके नहीं। शाम बहुत अच्छा लगता है यहाँ शादी लगाने के बाद में। दूर दूर से आए, गढ़चिरौली से भी वो दूल्हा यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी पूरी मतलब रीति रिवाज के साथ में यहाँ पर सभी का आदर सत्कार यहाँ पर किया जाता है। आप देखो, भारी भीड़ है, हजारों की तादाद में लोग बाराती यहाँ पर आ चुके हैं और नाश्ते करते हुए बैंड बाजे के साथ में दूल्हे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पूर्व सांसद नाना पटोले की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है। छावा संग्राम परिषद और ओबीसी संग्राम परिषद के माध्यम से ये व्यवस्था की जाती है। मैं निशांत लांजीवार, एमएनएस न्यूज, भंडारा। पूर्व सांसद मारुतराव कोवा से जैसा भाई मोटवानी, सीआरपीएफ के त्रिपाठी, जिला परिषद सदस्य राउत सौ ठाकरे और हजारों की संख्या में बारातियों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। अब अभी आज छावा संग्राम के माध्यम से जो सामूहिक शादियाँ लगाई गई है और 24 दूल्हा दुल्हन के पिताज बनकर आपने आज पूरे काम यहाँ पर निभाया, एक अद्भुत क्षण है, विस्मरणीय क्षण है। और खास करके अभी जो अग्नि फेरे जी हुए, सभी मतलब आंखों में नमी लाने वाला ये प्रसंग था। ये सारा काम करते हुए आपको कैसा लग रहा है? ऐसा है कि कन्यादान ये सबसे हमारे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दान होता है और हमारी बच्ची जो होती है वो दूसरे के घर की लक्ष्मी बनकर जाती है, तो उसको एक आशीर्वाद देने का काम पिता करके पिता को करना ही पड़ता है। सामूहिक विवाह की परंपरा अपने लखांदूर तालुका में ये बहुत पुरानी है। कई साल से अपन यहाँ पर ये परंपरा ये चला रहे हैं और इसमें लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। सब लोग इसमें, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर अपने विवाह में शामिल होते हैं। बौद्ध परंपरा से, हिंदू परंपरा से यहाँ शादियाँ होती है और मुझे लगता है कि इतना बड़ा पुण्य का काम जब
हम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये सबसे बड़ा हम लोगों के जीवन का एक क्षण होता है। और इसलिए ऐसे क्षण को अपने परिवार के, मेरे बच्ची की शादी है, ऐसा अगर हम लोग उसमें देंगे तो उसका एक बड़ा आनंद उनको भी जाता है, हमारे दूल्हे राजा को भी जाता है कि नाना बहू ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हमारे को प्यार किया। तो ये एक जीवन में उनके भी एक याददाश्त रहती है, जिसे हम लोग, वो लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते, हम भी नहीं भूल सकते, और ये परंपरा हमेशा चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि हमारी लाखानदूर तालुका की जनता, और विशेष करके मोहरना गांव में ये कार्यक्रम है, और 13 साल से ये परंपरा चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये परंपरा हमेशा चलती रहेंगी और हम सब लोग ऐसे ही शामिल होते रहेंगे। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते